नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उन दर्शकों के बीच में लेके जाऊंगा जिन्होंने बाजार फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो में देखा। बाजार फिल्म किसी को बहुत पसंद आई, किसी को कम पसंद आई, किसी को सॉन्ग अच्छे लगे तो किसी को मूवी जरा भी पसंद नहीं आई। आइए देखते हैं उनके रिव्यूज को। मजा उसे सुपर माइंड ब्लोइंग चलेंगे। सबसे अच्छा क्यों किसकी लगी? मेरे ऑफ कोर्स सैफ अली खान। क्या खास बात लगा कि सैफ अली खान से? ऑलवेज ए बिग स्टार लाइक रेस जी। उनको ये तरह के कैरेक्टर में है, कितना कैरेक्टर बदल पाए, कितना गुजराती बन पाए, क्योंकि बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस पे मूवी है ये बाजार का। अनिल अंबानी लाइक तो देख रहे हैं उसी तरह, तो इस तरह के मूवी उनको शूट करते हैं। या ये मस्त है, हनी सिंह रॉकिंग फाइन माइंड ब्लोइंग एक्टर। चित्रंगा दा को बहुत दिन पे बाद देखने के लिए मिला राधिका पे। आउट ऑफ फाइव फोर पॉइंट हाफ। अच्छी फिल्म है, स्टॉक मार्केट के ऊपर है और स्टॉक मार्केट में जो एक हाई लेवल और लो लेवल जो चलता रहता है वो वही दिखाया गया है इसमें। और इसमें एक नया करेक्टर आया है, रोहन है उनका नाम, हाँ रोहन मेरा, उनका डेब्यू हुआ इसमें, तो वो बहुत ही अच्छा करेक्टर किया। बाकी सैफ अली खान और राधिका आप्टे के बारे में यही कहना है कि वो फेमस सेलिब्रिटी हैं, वो तो कुछ भी एक्टिंग करेंगे तो अच्छी लगेगी, लेकिन वन टाइम वॉच मूवी है। उनके बारे में तो कंपेयर करना नहीं है क्योंकि वो बेस्ट एक्टर हैं और वो बहुत सेलिब्रिटी हैं, तो उनके बारे में मैं ये नहीं, अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा जो जो स्टॉक मार्केट में, हाँ बहुत अच्छा लगा जो स्टॉक मार्केट अप डाउन चलता रहता है मार्केट में, उसके बिहा पे उनके उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और राधिका आपटे ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। सभी का किरदार बहुत ही अच्छा है और मैं इसमें से 5 में से 3.5 स्टार दूंगा और वन टाइम वॉच मूवी है। थैंक यू सो मच। एक नंबर मूवी थी, सैफ की एक्टिंग बहुत अच्छा ऐड किया, बहुत अच्छा है, पिक्चर लगी, बहुत अच्छी मूवी है, वापस देखेंगे एक बार। अभी तो क्या कुछ खास लगा आपको? स्टोरी तो एकदम बेस्ट है, देखोगे तो पता चलेगा, मस्त स्टोरी। ट्विस्टिंग टर्न्स की बात करो तो कितने ट्विस्टिंग, कैसा लगा आपको ओवरऑल? बहुत अच्छी मूवी थी मैम, वापस देखेंगे, कल वापस आएंगे। वापस कितने स्टार देना चाहेंगे? 5। नहीं मेरे को नहीं अच्छी लगी, हमें अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी। क्या सैफ अली खान की स्टोरी नहीं थी ना कुछ, एंड क्या दिखाया, शुरू कहाँ से भी, बीच में कहाँ गए, कुछ भी नहीं था। गाना था ही नहीं यार उसमें, तुम जाके देखो ना, गाना नहीं है उसमें, इंटरटेनमेंट कुछ नहीं था, बोरिंग था, सरदर्द है, जीरो जीरो। सर एक कैसी लगी फिल्म? अच्छा, अभी तो सब्जेक्ट वाइज ठीक है लेकिन चलेगी नहीं, बिजनेस पे डिपेंड है, कितना करियर उतर पाया एक्टिंग वाइज सैफ अली खान? सैफ अली खान का पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो है काम ठीक है लेकिन उसमें एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है, आम पब्लिक जो जिसको पिक्चर देखने के लिए जो आते हैं पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है छः बजे जिसको नॉलेज है उसके लिए ठीक है, आम आदमी नहीं, नहीं आम आदमी के लिए ठीक नहीं। गाने कैसे लगे आपको? गाने एक दो गाने हैं लेकिन खास नहीं है कुछ। हाँ वो दोनों सपोर्टिंग रोल में है, ठीक है सर। ऑटो पे कितना स्टार्टिंग थी? 2। सो कैसी लगी फिल्म? ठीक थी, एवरेज थी मूवी, अच्छी मूवी, बेटर थी, अच्छी थी बट और ज़्यादा अच्छी इसमें सैफ की एक्टिंग थी। और सेकंड थिंग अभी फर्स्ट टाइम मैंने फ्रेंड के साथ देखी, मैं ट्राई करूँगा मेरे गर्लफ्रेंड के साथ देखने के लिए भी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। बेसिकली जो अभी ये बाजार का ये चल रहा है, मार्केट का कम नाम अपडाउन चल रहा है, उसके रिलेटेड मूवी थी सैफ अली खान की मूवी, मतलब एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी बेसिकली। बताने जाते एवरेज नहीं था, नॉर्मल एक नॉर्मल स्क्रिप्ट थी, ज़्यादा एवरेज स्क्रिप्ट थी, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था उतना, बट एज कम्पेयर टू सैफ की एक्टिंग अगर हम देखें तो वो ज़्यादा अच्छी थी। अगर बात करें हम फुल एंटरटेनमेंट पैकेज मूवी की, नहीं अराउंड 50-60% 100% यस। कितने 5 out of 4। बाजार बहुत ही बढ़िया फिल्म है और मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी है, जैसे उन्होंने रेस में परफॉर्मेंस की थी वैसे ही उन्होंने इस बाजार फिल्म में की है। रोहन मेरा जो जिन्होंने डेब्यू किया है उनकी एक्टिंग कैसी लगी? मुझे एक्टिंग की बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है कि उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, खास करके उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वेरी नाइस वॉइस। राधिका आप्टे उनकी परफॉर्मेंस कैसी? उनके बारे में क्या कहना हो, तो राधिका आप्टे यू एज यू नो लाइक नेटफ्लिक्स पर तो छाई हुई और ग्रेट एक्टर है।
मुझे अच्छी लगी फिल्म। अब देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मेरे नज़र इसे देखो तो मुझे तो अच्छी लगी, किसी को शायद ना भी अच्छी लगे, लेकिन मुझे अच्छी लगी है। फिर से देखना चाहेंगे? नहीं, मैं कोई भी फिल्म एक ही बार देखता हूँ, दूसरी बार मैं शायद उसे यू नो लाइक नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम पर देख लेता हूँ। गो एंड वॉच वन टाइम। 3.5। दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट कीजिएगा, मैं आपको चाकू ले यार, एक एडवाइस दे रहा हूँ, धीरे दौड़। जिंदगी एक मैराथन है, कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं। वर्ल्ड बेस्ट मैराथन रनर का नाम बता। और 100 मीटर चैंपियन यूसेन बोल्ट। करेक्ट। मैराथन में दौड़ने वालों को कोई याद नहीं रखता दीपू। मैं हूं रिजवान अहमद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लौंडा। शकुन कोठारी के साथ काम करना, बड़ा आदमी बनना मेरा सपना है। इस कमरे में ये कॉफी बेच के दिखा, ये कॉफी बेच के दिखा और जॉब ले ले। बेचती सर खुद को। हम यहाँ स्ट्रगल करने नहीं, सेटल होने। टीम के हर नए खिलाड़ी के लिए एक सीनियर खिलाड़ी उसका खुदा होता है। शकुन कोठारी मेरा खुदा। हार और जीत में एक ही फर्क होता है, भूख। मुझे सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। नोट का मालिक बनने के लिए उसे कमाना पड़ता है, पैसा उसका जो धंधा जानता हूं, और मैं हूं धंधो नो गंदो छोकरो। मन वचन अनिकायती मिच्छामी दुखड़म। शकुन अगर चांस नहीं देगा तो क्या होगा? मैं दे रही हूँ ना चांस। मैं मुंबई आपके साथ काम करने आया था। छोकरो होशियार छे, वेलकम टू मुंबई रिजवान अहमद। उसका भरोसा मत तोड़ना। मेरे जैसे बनने के लिए लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। करो ये लाइन क्रॉस। याद रहे मेरे दो ही रूल हैं। रूल नंबर वन, मेरा पैसा कभी खोना नहीं, और रूल नंबर टू, रूल नंबर वन कभी भूलना नहीं। तो इमोशन पर चलता है, मैं मैथ्स पर। मजा उसे। इस देश को वही 5-7 फैमिलीज चला रही हैं। टाटास, बिरलास, रुयास, अंबानीज, वाडियास। थोड़ा तो गेम चेंज होना चाहिए ना।